मैं हूं शिवानी ठाकुर, आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज़। मैनपुरी के कस्बा अलीपुर खेड़ा में स्थित QSM पब्लिक स्कूल के बच्चों ने विद्या ज्ञान स्कूल के लिए प्रारंभिक परीक्षा पास की। आपको बता दें कि 10 फरवरी को इसकी फाइनल परीक्षा होनी है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि पूरे जनपद से करीब 4500 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से मात्र 72 बच्चे ही इस परीक्षा को पास कर पाए हैं। वही QSM पब्लिक स्कूल के 30 बच्चे शामिल हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रधानाचार्य अब्दुल अहमद नमी ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि बच्चों ने जनपद मैनपुरी का नाम भी रोशन किया। देखिए हमारे संवाददाता शिवचरण राजपूत की रिपोर्ट। कस्बा अलीपुर खेड़ा में स्थित QSM पब्लिक स्कूल के बच्चों ने विद्या ज्ञान स्कूल में प्रारंभिक परीक्षा पास की है। जनपद में विद्या ज्ञान स्कूल में 4500 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें जनपद के 72 बच्चों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की है, जिसमें आरजू राजपूत, स्वाति यादव, सरगम राजपूत, मोहिनी राठौर, कोमल तिवारी सहित आदि बच्चों ने परीक्षा पास की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अब्दुल अहमद नम्मी ने बताया कि अभी तक हमारे विद्यालय से 24 बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल में अध्ययनरत हैं। 18 फरवरी को फाइनल परीक्षा होगी, जो बुलंदशहर के विद्या ज्ञान स्कूल में ही होगी। जनपद में बच्चों के नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर रणवीर शाह के कपिल पांडे, चांद मियां सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आपने विद्या ज्ञान में जो स्थान प्राप्त किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख संस्था है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आपने जो है कौन से क्लास में भी आपने क्वालिफाई किया था? फिफ्थ क्लास को। तो आप सभी 30 बच्चे हैं जो QSM पब्लिक स्कूल अलीपुर खेड़ा में है, जो कई वर्षों से टॉप चल रहा है, इस बार भी 30 बच्चे आए हैं। Yes. आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ, मैं स्कूल में विद्यान की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने के लिए सबसे ज्यादा योगदान हमारे सर का है। मेरा नाम रोहिणी राठौर है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। तो आपने जो तैयारी की थी विद्यायन की, आपको तैयारी किसने करवाई? सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? हमारे सर ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, और सभी बच्चों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय प्रताप सिंह राठौर है, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ। मैं विद्यायन का पेपर प्रारंभिक परीक्षा देके आया हूँ, अब मैं पास हो गया। मेरा कितने क्वेश्चन थे उसमें? 60। कितना टाइम कितना था? 2 घंटे। 2 घंटे का नाम है। किस टाइप के क्वेश्चन थे? IQ। इंग्लिश का? इंग्लिश के भी थे, मैथ के, साइंस, रीजनिंग, IQ पोर्शन आए थे। आपने सभी क्वेश्चन किए? यस। कितने बच्चे आए हैं आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में 30 बच्चे आए हैं। कितने लड़के कितनी लड़कियाँ हैं? 18 लड़के हैं और 12 लड़के हैं। हमारे सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर में हो रही है, और ये परीक्षा विद्या ज्ञान स्कूल में ही हो रही है। और QSM पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर अब्दुल अहमद का, इन्होंने जो है काफी सारी मेहनत की है, कई वर्षों से ये मेहनत कर रहे हैं, और इस साल भी ये बच्चे जो है विद्या ज्ञान में काफी आगे लगा है। सर आपने अभी साल कितने बच्चे आए स्कूल में आपकी विद्या ज्ञान में? सर मेरे विद्यालय से 39 बच्चों ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिसमें 13 लड़कियां थी और 26 लड़के थे। 13 में से लड़कियों ने 12 ने सफलता प्राप्त की है, केवल एक लड़की जो शालिनी थी वो असफल रही, और इसमें 18 बच्चे, 26 में से 18 बच्चे, 30 बच्चे पिछले साल भी बच्चे नहीं लगे। पिछले वर्ष हमने 33 बच्चे बिठा लिए थे, जिसमें 32 पास हुए थे और केवल एक फेल हुआ था, और उन 32 की दूसरी परीक्षा में 16 का सिलेक्शन फाइनल हुआ था, विद्या ज्ञान में पढ़ लिया। तो जनपद मैनपुरी में आपका शायद हमारे हिसाब से पहला नंबर होना चाहिए। हमारा तो उत्तर प्रदेश में पहला नंबर है, उत्तर प्रदेश से कुल 3000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और किसी स्कूल से सबसे ज्यादा अगर है तो वो मेरे बच्चे।
और अभी मतलब जो है दो एक दिन रिपीट परीक्षा फिर होने जा रही है। 10 फरवरी को विद्या ज्ञान जो लहरा बुलंदशहर यही परीक्षा केंद्र हमारा है और उसमें 9 जिलों के बच्चे वहाँ पर बुलाए गए हैं, वो जाएंगे और सुबह 8 बजे हमें पहुँचना है 8:30 से परीक्षा के। मेहनत कितनी तैयारी पर जो है वो रिटर्न एग्जाम होगा इनका ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पे और एक ऑफलाइन होगा जिसमें इनको ऐसे लिखना होगा। चूज कैसे करते हैं बच्चा ये इतनी मेहनत का? कक्षा 3 से जो अच्छे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं कक्षा में हम लोगों को नजर आते हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और उनकी तभी से विशेष कोचिंग शुरू करते हैं। और बाकी ये बच्चों का फिर बाकी बच्चों को भी हम कोचिंग कराते हैं लेकिन उनमें से फाइनल छांट के ही बिठाते हैं जो बाकी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ प्रतिभाशाली ही बच्चे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे QSMW स्कूल के आपके तरीके के बच्चों को तैयार करते हैं मेहनत जो करते हैं सवाल से अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में होशियार होते हैं उन्हीं बच्चों को हम ज्यादा मेहनत करते हैं बाकी सब पे करते हैं जो अच्छे होशियार होते हैं बच्चे उन पर ज्यादा। सवाल जो है आप स्वयं चाहते हैं या सब्जेक्ट से? स्वयं भी और सब्जेक्ट से भी कुछ चलते हैं और दवाई भी स्वयं भी बताते हैं। सब्जेक्ट से ज्यादा होते हैं या स्वयं भी ज्यादा होते हैं? सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं कि जो कोई सब्जेक्ट मारता है वही पढ़ाते हैं उसी के साथ समझाते हैं सवाल।